नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। विवादों में घिरे डीजीपी मनोज यादव अब केंद्र सरकार में देना चाहते हैं सेवाएं। हरियाणा में डीजीपी पद से हो चुके मोबंग आईबी में जाने की मांगी इजाजत, गृह सचिव को लिखा पत्र। हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में किया बदलाव, अब स्कूलों की कार्य अवधि रहेगी सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 तक, लेकिन नहीं आएंगे विद्यार्थी। हरियाणा में अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त कर मालिकों पर एफआईआर की जाएगी दर्ज। खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग और पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। किसान आंदोलन की काट और कोविड की दूसरी लहर के बाद विकास की गति तेज करने के लिए चंडीगढ़ में भाजपा जजपा व निर्दलीय विधायक दल की हुई संयुक्त बैठक। विधायकों ने मुख्य रूप से अवैध औद्योगिक कॉलोनियों मार्केट में वाणिज्यिक गतिविधियों को नियमित करने की करी मांग। पानीपत के शांतिनगर में पहले पति के साथ रिश्ता रखने और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर दूसरे पति ने पत्नी की गला घोटकर की हत्या, फिर स्वयं भी की आत्महत्या। युवक ने छोड़ा 3 पेज का सुसाइड नोट। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई फॉर्म भरने की तिथि, लेकिन विद्यार्थियों को देना होगा विलम्ब शुल्क। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों में भी आई 50% की कमी। आदर्श नगर में रात को शुरू किया गया लेंटर डालने का कार्य, लोगों ने मचाया हंगामा। CIA1 पुलिस टीम ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोचा। संभालखा में नेस्ले के पास चल रहे रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण पर। सुबह के इस ताजा अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।